वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट जिसे फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, चाहे वो डाइटरी फुलफिलमेंट की बात हो या आपका कोई स्पेसिफिक गोल हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वे प्रोटीन, टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन, डोसेज एंड टाइमिंग ऑफ कंजम्पशन, बेस्ट वे ऑफ कंजम्पशन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ वे प्रोटीन पाउडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा बॉन्ड बना रहे। ये सारे टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटीन है क्या। सो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे आपकी बॉडी यूज करती है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज, आपके स्किन की इलास्टिसिटी, आपके बालों की क्वालिटी, आपका मूड, आपका हार्मोनल प्रोफाइल, इसमें प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपकी बॉडी प्रोटीन को एज अ एनर्जी, एज अ फ्यूल भी यूज करती है। तो अब हमने ये समझ लिया कि प्रोटीन होता क्या है, अब हम हमारे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाए। सो बेसिकली मिल्क के दो पार्ट होते हैं, वे एंड केसिन। जब हमें घर पर पनीर बनाना होता है तब हम क्या करते हैं कि हम मिल्क में लेमन या विनेगर ऐड करके उसको फर्मेंट कर देते हैं। उससे दूध के दो पोर्शन हो जाते हैं, एक तो पनीर बन जाता है और दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलता है जो लिक्विड पोर्शन में रहता है जिसे हम यूजुअली फेंक देते हैं। वो जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे ही वे कहा जाता है। अब वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वो उस बाय प्रोडक्ट को लेकर एक प्रोसेस में डालते हैं जिसे माइक्रोफिल्ट्रेशन कहा जाता है। देन उसमें वो फर्दर प्रोसेस करके उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फ्लेवर्स ऐड करते हैं जिसे कंटेनर में सब्स्टिट्यूट करके हम कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। सो बेसिकली वे प्रोटीन इज नथिंग अननेचुरल बट अ डेयरी प्रोडक्ट। सो बेसिकली तीन तरह के वे प्रोटीन होते हैं। द फर्स्ट वन इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इस टाइप के वे प्रोटीन में जो अवेलेबिलिटी होती है प्रोटीन की वो होती है 70-80%। यानी कि अगर आपका एक स्कूप 30 ग्राम का है तो उसमें से आपको 21-24 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा। उस 30 ग्राम के स्कूप में लैक्टोस एंड फैट भी प्रेजेंट होगा। लैक्टोस वो कार्बोहाइड्रेट है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। जो सेकेंड वे प्रोटीन टाइप है उसे वे प्रोटीन आइसोलेट कहा जाता है। वे प्रोटीन आइसोलेट लैक्टोस एंड फैट फ्री होता है एंड बिकॉज वो लैक्टोस एंड फैट फ्री होता है जो ये प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो मोर देन 90% होती है। अगर आप लैक्टोस इनटॉलरेंट हो तो आपको वे प्रोटीन आइसोलेट कंज्यूम करना चाहिए। थर्ड टाइप जिसे वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज कहा जाता है, इसे प्री डाइजेस्टेड फॉर्म भी कहा जाता है बिकॉज ये डाइजेशन प्रोसेस से पहले ही गुजर चुका है एंड आपकी बॉडी इसे बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज भी लैक्टोस एंड फैट फ्री होता है। मैंने ये तीनों टाइप की वे प्रोटीन सप्लीमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं। सी ऐसी कोई स्पेसिफिक डोसेज नहीं है वे प्रोटीन को कंज्यूम करने की, बट आप ट्राई करें कि आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आपके होल फूड से ही फुलफिल हो रही है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपके पास कोई प्रोटीन फूड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो आप उसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड पोस्ट वर्कआउट लें क्योंकि उस वक्त के दौरान आपका प्रोटीन नीड पीक पर होता है। आप इसे मिल्क एंड पानी दोनों में कंज्यूम कर सकते हो, बट आप इसे पानी में लें पोस्ट वर्कआउट बिकॉज मिल्क में ऑलरेडी केसिन एंड फैट प्रेजेंट होता है एंड केसिन एंड फैट आपके एब्जॉर्प्शन को बहुत स्लो कर देते हैं एंड हमें पोस्ट वर्कआउट फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन चाहिए। सो इसे आप पानी में लें पोस्ट वर्कआउट। सी ऐसा कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं होता है वे प्रोटीन का, बट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वे प्रोटीन में डाले जाते हैं अगर मैन्युफैक्चरर ने उसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया है तो उससे आपका गट या डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। सो बस आप उतना ध्यान रखिए कि आप एक ट्रस्टेड ब्रांड चूज़ कर रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में लाते रहें।